ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीराम ऑटोमोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल एवं स्कूटर। आपके क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुसरी, चोपटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि होटलों व सपा सेंटरों में पुलिस की रेड पड़ी है। बाहर से लड़कियों को लाकर करवाया जाता था देह व्यापार का धंधा। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नज़र। आपको बता दें कि बरवाड़ा शहर में आज सूचना के आधार पर सीआई स्टाफ हिसार व डीएसपी बरवाड़ा रोहतास सिंह के नेतृत्व में बरवाड़ा शहर के विभिन्न होटलों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के बाद डीएसपी अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि बरवाड़ा शहर के अनेक होटलों व सपा सेंटरों में बाहर से लड़कियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार का धंधा करवाया जाता है। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने अलग अलग अपनी टीम गठित कर इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी होटल व अपने बोगस ग्राहक को भेजा और इशारा मिलते ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर काफ़ी जोड़ों को पकड़ा गया है। इन सभी होटलों के मालिक होटल से नदर्द मिले। इन होटल के चार मैनेजरों को भी होटल से मौके पर गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इन सभी होटल को फिलहाल अभी सील कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अशोक कुमार ने बरवाला शहर के अनेक होटल संचालकों को हिदायत देते हुए कहा है कि बरवाला शहर में कोई भी होटल संचालक इस तरीके के गलत व देह व्यापार का धंधा न करवाए, अन्यथा उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ होटल्स पे और कुछ सपा सेंटर्स पे इनकी आड़ में जो है अनैतिक देह व्यापार का काम किया जा रहा है, जिस पर आज मैंने अलग अलग रेड किए उनके ऊपर। उसमें चार उनके नाम थे इनके होटल्स के, पूजा, ताज, महाराजा और रॉयल। महाराजा और पूजा है, ताज है, महाराजा और रॉयल, जिन पर हमने अपना जो बोगस ग्राहक भेज के अपनी कार्रवाई की है, जिसमें हमने जो उनके ऊपर आरोप थे उसे ही पाए गए और इसमें हम अभी उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये कहें कि इसमें से कितने लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं? इसमें कुछ लड़कियां पकड़ी गई हैं, लेकिन मुझे हम नाम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो आमके अनुसार जो खुद विक्टिम है। आपकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी सर? इस तरह की बिल्कुल जारी रहेगी, लगातार हमारी पूरी निगाह रहेगी, पूरी निगरानी रहेगी, खासकर बरवाड़ा के ऊपर। यहाँ की काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बरवाड़ा कम से कम इस तरह का काम करेंगे। सर, किस होटल से कितने लोग पकड़े हैं? सिर्फ नाम हम नहीं पूछेंगे, नाम नहीं चाहिए जी भाई। इसमें मैनेजर है, क्या नाम, एक्चुअली क्या हम मैनेजर ही गिरफ्तार नहीं होते, बाकी जो मालिक हैं उनके नाम जैसे भी आएंगे तो हम उनको बता देंगे। तो मैनेजर में आप किसी का कोई नाम, किसी होटल के कोई मैनेजर का नाम बता सकते हैं? हाँ जी, पूजा होटल में प्रदीप जी और ताज होटल में सोम और महाराजा होटल में नीरज और रॉयल होटल में संदीप। सर, अभी जैसे सुनने में आया है, मैं आपकी अपनी हमारी पर्सनल बात बताता हूँ कि हमारे जैसे सुनने में आया कि काफ़ी जो ये इस मामले जो लड़कियाँ जो पकड़ी जाती हैं ज़्यादातर कॉलेज या आईटीआई की होती है। आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपके द्वारा किसी कॉलेज या होटल कॉलेज या आईटीआई में जाकर उनको अवेयर करने का कोई कार्य काम हो सके? समय समय पर हम जो दुर्गा शक्ति टीम है, हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और हम भी इन इस तरह की इनके लिए अवेयर करते रहे। हमारा जो है अभियान चलता रहता है, बच्चों को गुड टच बैड टच या इस तरह जो भी उनके बारे में बताते रहते हैं, जो माइनर बच्चियाँ हैं, कम उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में उनको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं।
कि बाकी नहीं सर, वो तो स्कूल गुड टच और बैड टच तो हम वो स्कूल लेवल पे चले गए, मैं कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, आईआईटी की बात कर रहा हूँ, मोस्टली मैच्योर स्टूडेंट्स वो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे, वहाँ ऐसा कोई दुर्गा शक्ति का। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वैश्यवर्ती है अनैतिक जैव व्यापार जो है, और वो है कि लड़के बाहर से मंगा के और उनसे कोई पैसा कमा रहा है, ये है जैव व्यापार। एक मेजर लड़का है मेजर लड़की है अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए वो किसी जगह पे आते हैं तो कानून की नजर में वो आते हैं। क्या सर कोई दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।